हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 32 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला से बनाया गया उम्मीदवार। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ लाडवा से मेवा सिंह को मिला टिकट। नू से आफ्ताब अहमद को मैदान में उतारा। कांग्रेस की पहली लिस्ट में रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को नहीं मिला टिकट। हरियाणा में गठबंधन को लेकर कांग्रेस आप में नहीं बन रही है बात, सूत्रों के की खबर, आपको मंजूर नहीं है कांग्रेस का फॉर्मूला। हरियाणा में रविवार को आप जारी कर सकती है पहले लिस्ट, सूत्रों के मुताबिक 50 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन पर कहा कि बातचीत जारी है, उम्मीद है कि देशहित में गठबंधन होगा। हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने दिए संकेत, कहा कि गठबंधन का सहयोग करेंगे। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल, जुलाना से चुनाव लड़ेगी विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश फोगाट, बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर बोली साक्षी मलिक, मुझे भी ऑफर थे पर हमें त्याग करना चाहिए। विनेश बजरंग के कांग्रेस ज्वाइन करने पर सियासत तेज, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बोले कि इन लोगों ने अब तक राजनीति की जनता सब देख रही है। टिकट कटने पर नरेश कौशिक का छलका दर्द, कोले के छोटे भाई दिनेश कौशिक को बताया अहंकारी, बीजेपी ने दिनेश कौशिक को टिकट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन, सुबह 11 बजे कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ, समृद्धि और सुरक्षित जम्मू कश्मीर का संकल्प, 5 लाख रोजगार और 2 फ्री सिलेंडर देने का वादा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मां सम्मान योजना का भी ऐलान किया, घर की बुजुर्ग महिला को सालाना 18,000 रुपए देने का वादा किया। जम्मू में अमित शाह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस पर हमला, बोले कि उमर अब्दुल्ला के एजेंडे पर कांग्रेस मौन क्यों है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू के रामबन दौरे से पहले कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा के लिए जवानों ने चलाया तलाशी अभियान। मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा की सभी 288 सीटों का रिव्यू किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्या को लेकर चेतावनी दी, कहा कि अगर कोई कसाई गाय की हत्या करता है तो ये किसी भी सनातनी को सहन नहीं होगा। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत, सीएम योगी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। शिमला के संजौली मस्जिद मामले की आज म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई, मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ 2010 से चल रहा है मुकदमा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माना कि अवैध निर्माण को हर सरकार ने किया है नजरअंदाज। आजकल मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर के मामले में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी आज कोलकाता में निकालेंगे रैली। राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजा बंगाल का अपराजिता बिल, गवर्नर सीबी आनंद बोस ने दी जानकारी। कोलकाता में आजकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर ईडी की रेड, ईडी ने कई अन्य जगहों पर रेड किए, संदीप घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। उज्जैन रेप कांड को लेकर सियासत तेज, राहुल गांधी बोले कि महिलाओं के साथ हुई बर्बरता मानवता पर कलंक है। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस और मैक्स लोडर के बीच जोरदार टक्कर, 15 लोगों की मौके पर मौसूला लोग घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर व्यक्त किया शोक, प्रधानमंत्री राहत कोष से मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को 50,000 की मदद का। मुंबई में सटे उल्लासनगर में एक ट्रैफिक पुलिस पर 3 ऑटो चालकों ने किया हमला, 2 ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, 1 फिलहाल फरार। यूपी के सीतापुर में एक अस्पताल में एक डॉक्टर ने किराया मांगने आए मकान मालिक के स्टाफ के साथ मिलकर पिटाई की। सदाकत नाम का मकान मालिक अपने किराएदार डॉक्टर सलाम से 20,000 किराया मांगने आया था। लखनऊ में सपा विधायक सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के सौतेले बेटे के बीच फायरिंग हुई, संपत्ति विवाद में कहासुनी के बाद ये फायरिंग हुई। सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव का एनकाउंटर करने वाली एसटीएफ के सीओ डी के शाही का वॉलीबॉल संघ ने किया सम्मान। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, तीनों पर साजिश के तहत फर्जी जानलेवा हमले में पड़ोसियों को फंसाने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में वन्यजीवियों से जुड़े सामानों की तस्करी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, लाखों के सामान को भी बरामद किया गया। ओडिशा के पुरी में समुद्र तट के किनारे बहकर आया संदिग्ध कंटेनर, मरीन पुलिस ने कंटेनर को सुरक्षित रखा, कंटेनर को देखने के लिए लोगों का लंबा जमावड़ा लगा। बिहार के मोतिहारी में 3 स्मगलर गिरफ्तार, पुलिस ने 2 लाख के फेक नोट के साथ अरेस्ट किया, पुलिस कर रही है पूछताछ। पंजाब के अबोहर में लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जावेद झींझा गिरफ्तार हुआ, जावेद पर मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में चला प्रशासन का बुलडोजर, इमाम बाड़ा और एक बालाजी मंदिर को हटाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से किसानों को मायूसी, धान की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। गणेश चतुर्थी की आज से शुरुआत, मंदिरों में सुबह से हो रही है गणपति की पूजा, देशभर में आगे 10 दिन तक मनाया जाएगा गणपति उत्सव। मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए आज शुरुआत होगी, आज सुबह हुई है बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में धूमधाम से लगाई गई भगवान गणपति की मूर्ति, भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ गणपति का स्वागत किया। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण गणपति की पूजा और आरती में शामिल हुए। तमिलनाडु के शिवगंगा में गणेश चतुर्थी की धूम, श्री करपगा विनायगर मंदिर को लाइटों से सजाया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपने नाम किया 6ठा गोल्ड मेडल, 9वें दिन 2 मेडल जीते, भारत को अब तक 27 मेडल मिले।